तुम मुझे एक्सपोज करना, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। तुम आजकल ट्रेंड पे चल रहा है ये चीज। भाई ये बंदा मैगी में क्या आइसक्रीम डाल। ये तुम्हारा फोन है, ये लो। तू पागल है क्या? फोन गया। पागल साले का खोपड़ी तोड़ दे। जल्दी नीचे जा रहा है। गिर रहा गिर गया यार। जल्दी फोड़ो। क्या वो फोन हल्का हो गया? डम्मो बस चूड़ा लगा दिया। बस ये इंटेलिजेंस है। मारूंगा ना खिंचा के। ठीक है, डर गई मैं। चुप हट। अब तुम देखो, मैं तुम्हें बटिस्टा बॉम्ब देती हूँ। वैसे तू ऋषि को ढाल बना के चल रही है ना। हाँ, कुछ कर सकते हो। स्विमिंग का फायदा, बस इतनी स्विमिंग आती है। क्या हुआ था? बहुत बुरा पिटेगी तू किसी दिन। कह रहे मेरी मम्मी को कुछ हाथ मत लगा देना। ऋषि को छोड़, फिर बताता हूँ। अभी हमारा बहुत खतरनाक वाला पोपट हो गया है गाइस। यहाँ पर ना बगल में ही एयरपोर्ट है, वो रात को देखो। एंड मैंने सोचा था कि मस्त एक ड्रोन उड़ाऊंगा, सिंस आई एम अ ड्रोन पायलट, लाइसेंस ड्रोन पायलट, और वहाँ पर शॉर्ट वॉट लेंगे क्योंकि वहाँ पर ट्रेन व्रेन भी जा रही है। कहीं पोपट हो गया ऋषि का, पोपट हो गया। अरे मेरी जलपरी, एक बात पूछनी थी। छोड़ रहे हैं दे, नहीं ये सब इसी लड़की ने खत्म किया है, मेरा इसमें कोई मुंह नहीं है। मस्त जोक मारा। कॉफी खा रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर चाय बहुत कड़वी है। अच्छा सुन ना, छोड़ रहे हैं दे। बता। नहीं यार रहने दे, मैं तो भैया ये कॉफी कड़वी है और ये मीठा है, तो मैं दोनों को क्या बता रहे थे? छोड़, तुम्हें समझ नहीं आएगी बात, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ। मदर्स लाइफ सुन ना। क्या? कुछ कहना था मुझे तुझे। तुम समझोगे नहीं बात को, बात ये है। बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना क्या 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 नहीं बोला तो अभी ऐसी तैसी कराओ तो तुम नहीं बोलना चाहती थी। बाल टूट रहे हैं, मुझे आरओ के पानी से धोना पड़ रहा है अपना बाल। तुम्हारा पति गंजा हो जाएगा, फिर तुम भी चिल्लाओगे हे भगवान मेरा पति गंजा है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आ चुके हैं, कॉफी पिलाई जा रही है पहले ताकि काम अच्छे से हो पाए हमारा। बंदा तीन तीन दिन से सो नहीं रहा है इसलिए, क्योंकि अभिषेक क्यों ऐसा करते हो भाई? और भाई एक बात बताओ, तुमने मेरे को झूठ बोला ऐसा कि पटना में ऐसा कुछ नहीं होता, फोन निकाल लेते हैं ऐसे, फोन चुरा लेते हैं। एक बंदे ने कॉमेंट किया नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पटना में रहता हूँ। मतलब यू आर राइट कि गाड़ी में से फोन छीन लेते हैं? बिल्कुल छीनते हैं भाई। मैं देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पटना वासी बोल रहा है। और व्हाट्स योर रिएक्शन अबाउट भागलपुर? 1700 करोड़ का ब्रिज टूट गया, क्या रिएक्शन है? कुछ लोग बनाने वाले खड़े होने चाहिए। बनाने वाले खड़े खड़े होने चाहिए थे। मैंने क्या सुना, कोई ऐसा बोल रहा है कि बीजेपी वालों ने जाके ग्रेनाइट लगा के तोड़ दिया। बट भाई अच्छा हुआ पहले टूट गया। मेरे हिसाब से ना पहले जब इनॉग्रेशन होता ना, उस दिन नेता लोगों को उस पे होना चाहिए था, जिन्होंने बनवाया है और खाया है पैसा, तब टूटना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब बाहर का वेदर गर्मा गर्म और अंदर फुल एसी, मजानी लाइफ हो रही है एकदम। नहीं मतलब ठीक है गर्मी, इट्स नॉट दैट मच। अपन दिल्ली वाले तो हम सभी वेदर में एडजस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर ठंड भी एक्सट्रीम पड़ती है, गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है। और आपको पता नहीं है, हमारे अभिषेक भाई लॉर्ड एस्प्रेसो द मोस्ट एंटिसिपेटेड एसयूवी चलाते हैं, जिसकी एवरेज कितनी आती है? कितनी आती है? मैक्सिमम 7। भाई क्या बोला तूने? इससे ज्यादा तो थार की आ जाती है क्लेम। भाई सही करा उसको यार। आप मारुति की गाड़ी से 5 का एवरेज एक्सपेक्ट करोगे क्या? डाइजेस्ट होगी ये बात? नहीं, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना था मेरे तो गले में आ गए थे।
तो भाई पटना ट्रैवल टूरिज्म के अध्यक्ष अभिषेक जी हमें घुमा रहे हैं कहाँ? कंगन घाट। यहाँ की स्टोरी है कि गुरु गोविंद जी ने अपना कंगन नदी में फेंका था या फिर अच्छा खेल में गिरा दिया था, तो इसका नाम पड़ गया कंगन घाट। एक कंगन से करोड़ों कंगन हो गए थे। एक कंगन से करोड़ों कंगन हो गए थे, ये बिलीफ है। अच्छा ये मरीन ड्राइव है, यहाँ से खुल जाएगा फिर। जो हम लोग आने में एक घंटा लगा अभी, 10 मिनट लगेगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डुबकी लगाने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले का थोड़ा रिफ्रेशमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हम गंगा जी के दर्शन लेंगे। साउंड ठीक है तो कुछ चलेगा। ठीक है, डेट विद अभिषेक। देखो म्यूजिक वीडियो शूट हो रही है, म्यूजिक वीडियो ऐसे। अच्छा देख रहे हो, माइक खतरनाक, यहाँ आवाज ऐसे ऐसे बाउंस बाउंस करके वापस आपके कान में घुस जाती है। कान में वो एब्जॉर्ब करती है। मैं गलत सोच रहे हो यार, गजब बेइज्जती है। हाँ भीड़ बंद कर दो। आई एम व्लॉगिंग हेयर। ये रहा माइक, ये रहा मैं विद हेडफोन, और वो रहा अपना, अरे कहाँ गया, ये पूरा इक्विपमेंट पड़ा है इसका, और ये बिहाइंड द सीन है। वो रहे अपने म्यूजिक डायरेक्टर, हाय कर दो। बन जाएगा, उसके बाद आप सुनना क्या बना है। मजा बहुत आएगा, लेकिन सही बता रहा हूँ मैं। द प्रोजेक्ट विच हैज बीन फाइनली डन बाय दिस गाय। पीछे क्या इल्यूमिनाटी वाला वो लगा रहा था, बीच में आंख ऐसे लगा दो। After 2 days of hard work हो चुका है, और मैं अभी बता नहीं सकता क्या प्रोजेक्ट है। बिल्कुल नहीं बता सकते राइट। 2 दिन सिर्फ इसी में अच्छे से गया है हमारा। तो जो हमारे होटल के बाहर आए थे ना कुछ सब्सक्राइबर लोग, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, डीपली सॉरी, क्योंकि मैं इस काम में बिजी था। इस बंदे ने बोला था किसी से मत मिलना, पटना के लोग बस मिल नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पर मैं आया सिर्फ काम के लिए था। और अभी इसमें बहुत कुछ टचअप बाकी है जो ये बंदा करेगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ काम वाम करवाना है म्यूजिक से रिलेटेड, आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट दिस गाय। नहीं, कुराफात रिकॉर्ड। एंड अगर अब टाइम मिलता है तो पता नहीं कैसे मीटअप करेंगे, तो हमारे पास दिन ही कम है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ही हो पाएगा, जो कुछ हो पाएगा। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। काम धर्म है, धर्म की पूजा करनी चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ आया ही लेता भाई, ये चीज ब्लॉग में जाएगी, बेइज्जती की बात नहीं है। मैं डिसोन कर दूंगा, मैं जानता ही नहीं कुरफात रिकॉर्ड्स। भाई ये बंदा मैगी में क्या आइसक्रीम डाल, जो आपने वीडियोस देखी है ना उससे इंस्पायर हो गए। ये बंदा वनीला आइसक्रीम मैगी में डाल के खाता है। खोपड़ी तोड़ साले का। ये कौन सा टेस्ट बड्स है तुम्हारे अंदर जो मैंने इस बंदे से गाना बनवाया यार। नहीं वो ऐसा सही रहेगा, उसमें वैनिला एसेंस नहीं होगा। तो क्या ये जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वगैरह लोग होते हैं ऐसी हरकतें करते हैं क्या? हाँ। जो है प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। सच्ची मैं बता रहा हूँ, तुम दिल्ली आओगे ना पब्लिक में ऐसे चिल्ला के बोलूंगा ये बंदा वनीला आइसक्रीम डाल के खाता है मैगी में, ऐसे धून के जाएगी ना पब्लिक। पटना सिटी की छत पर आपका स्वागत है। कुछ दिख ही नहीं रहा होगा अभी, पूरा कवर्ड है ना पौधों से। आम का पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है आम का पेड़। सुनना सुनो, अगर आप बोलना है तो बोल दो, वरना चुपचाप ना यहाँ से जाओ। सुबह से सुनना 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 लगा रखे तो। ए भाई सुनना, सुनना यार, तुम समझोगी नहीं। तो फिर सुनना सुनना किस लिए लगा रखी है? डायमंड प्ले बटन चाहिए जल्दी। करना कुछ नहीं है, हमने करना तो कभी कुछ होता ही नहीं ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब यहाँ 1 मिलियन तक तो हम बहुत इजीली पहुँच गए। 3 साल लगे ठीक है, तो अब जल्दी पहुँचना है ना 5 मिलियन तक, 10 मिलियन तक। करना बहुत सिंपल है, डाइवर्स ब्लॉग्स बनाते हैं और ऋषि के लिए लड़ेंगे हैं, और उसके बाद व्यूज ही व्यूज, पैसा ही पैसा। बू लिटरली एक एक दिन में 100K हो जा रहे हैं। और ऋषि के लिए तो लड़ना है, तुम मुझे एक्सपोज करना, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, तुम मुझे मेरी चैट्स दिखाना, मैं तुम्हारी चैट दिखाऊंगा। मैं तो चैट्स भी नहीं है, चैट्स भी नहीं रखते। अरे तो वही बना लेंगे यार, सब आजकल सब हो जाता है, और डे टाइम सब हो जाता है। अच्छा, मैं मेरे को आती है एडिटिंग यार, पता रख लेंगे किसी को, फिर वो अलग एक्सपोज करेगा मैं। अरे नहीं होगी बेइज्जती, समझा कर, आजकल ट्रेंड पे चल रहा है ये चीज। बेइज्जती नहीं होगी, कल को ऋषि बड़ा होगा, लोग कहेंगे देखो इनके चैनल पे कैसे कैसे व्लॉग पड़े हुए हैं। सब अनलिस्ट मार देंगे, 1 महीने बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जिन्होंने देखा उनके सामने, वो सामने से आके ऋषि को बोल दे तेरे माँ बाप ने तो ऐसे करा था। सिंपल है, वो मैन इन ब्लैक देखी है ना, सबको इकट्ठा करेंगे वो। मुझे ना पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचना, ठीक है? गाइस ये ना पहले फायर फाइटर थी, सबकी उम्मीदों पर पानी फेरती थी। मिल गया ऋषि को गिफ्ट। यस ऋषि, ऋषि
खुशी देखो इतनी, बस खाना है उसको, गिफ्ट से मतलब नहीं है। तो हमारे कूली जी ने फाइनली ऑडियो हमारे रिकॉर्ड ऑडियो शूट कर ली है। पहले दो दिन हमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है क्योंकि ट्रैफिक में कमेंट करेगा पटना में ट्रैफिक नहीं होता है, आप लोग आपको ये कमेंट। भाई भाई किसी ने ये बोला ना पटना में ट्रैफिक नहीं होता है, ये आके मारेगा उसको। ये बंदा आके मारेगा। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आया, ये पीछे स्टूडियो है, ये मेरा टोटली अच्छा ये डबिंग रूम है, स्टूडियो तो ये पूरा हो गया, रिकॉर्डिंग रूम। पहली बार ये एक्सपीरियंस था कुछ। अभी मैंने सबको सुनाया, सबको सुनने में ऐसा लग रहा था कि मैं गा ही नहीं रहा। सबसे पहले तो शिल्पा ने पूछा, मेरे पति ने कहा है ना। खैर अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तो पूरे तीन दिन हम क्योंकि काम में बिजी थे और मीटअप भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम पटना आएंगे तो मीटअप करते हैं डेफिनेटली वाला मरीन ड्राइव है, और ये बहुत सारे कूलियों को लेकर आएंगे। ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा? अरे नहीं तो, अरे लग भी लेगा तो क्या कर लोगे? पता नहीं, हम दिल्ली वाले गजब बेइज्जती है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बट बुरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचे थे वही म्यूजिक, मगर कुछ नहीं होता, हम सोचे थे कुछ नहीं होता। अरे मुझे लगा कह रहा म्यूजिक में मैं कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दूंगा और आपको गाली पड़ेगी। नहीं। खैर अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म करते हैं। सबको मेरा आउटरो पता है क्या? हंसते रहो, हंसते रहो, कुछ करोगे सारे? बिल्कुल। इस ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म करते हैं फिलहाल, और अभी यहाँ से निकलते हैं समस्तीपुर गाड़ी से ट्रैफिक। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, और यहाँ तक देख ली है प्लीज लाइक करके जरूर जाना। वन लाइक इक्वल टू वन प्रेयर इक्वल टू वन लव इन आवर वीडियो। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे। चलते सारे कर दो एक बार, बूम बूम। तो उसी पे तुमको थोड़ा सॉरी क्लियर करो।